बैक टू माई चैनल थिंक कोड एंड टूडेज लीड कोड चैलेंज इज मिरर रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक मिरर दे रखा है ना, और बता रखा है कि भाई एक रिसेप्टर्स पड़े हैं इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे रिसेप्टर पड़े हुए हैं, ठीक है। इस कॉर्नर को छोड़ के तीनों कॉर्नर्स पे रिसेप्टर पड़े हुए हैं, तो वो लाइट रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और तुम लाइट को छोड़ोगे कहाँ से, छोड़ोगे इस पॉइंट से, ठीक है। तो इस पॉइंट से छोड़ोगे और बता रहे हैं कि किस पॉइंट पे जाके वो जो है रिसीव हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे जाके रिसीव हो जाएगी वो पॉइंट तुम्हें रिटर्न करके दे देना है, या तो वो जीरो होगा या वन होगा या टू होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या करें, जैसे पी टू है, तो पी टू का मतलब क्या है कि मतलब ये स्क्वायर की लेंथ जो है ना, ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर रूम है और हर जगह मिरर्स है। तो पी टू का मतलब है कि इसकी साइड की लेंथ है टू, और क्यू का मतलब है कि भाई जो पहला जो स्ट्राइक करेगा ना वो कितना दूर करेगा इस, ये एक्स एक्सिस मान लो, तो वो क्यू बता रखा है कि जो पहले मिरर पे वो कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, कितना दूर स्ट्राइक करेगा, ठीक है। और बोल रखा है कि भाई पी की वैल्यू जो है वो क्यू से बड़ी होगी, ठीक है। पी की वैल्यू जो है क्यू से बड़ी होगी या इक्वल होगी, ठीक है। या तो ये यहां तक, यहां पे स्ट्राइक कर जाएगा वन पे ही सीधा, ठीक है, और रिसीव हो जाएगा, या फिर कम पे करेगा, जैसे इधर क्यू वन पे कर रहा है तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इधर से, और फिर टू पे ये रिसीव हो जाएगी लाइट। तो ये कहां पे रिसीव हुई, टू पे रिसीव हुई, तो टू रिटर्न कर दिया हमने, ठीक है। तो इसमें है ना फिजिक्स वाला कंसेप्ट यूज होगा हमारा, ठीक है। तो हमने यहां से जैसे चालू करा है ना, ये टू है, ये वन है और ये जीरो पॉइंट है, ठीक है। तो हमने यहां से चालू करा और मान लो क्यू जो है वो है, पी जो है वो है हमारा क्या बोलते हैं थ्री, और क्यू है वन, ठीक है। तो इसको हम तीन में बांट लेते हैं, ठीक है, तीन में बांट लिया। तो क्यू वन दे रखा है, तो मतलब इसका क्यू मान लो टू दे रखा है ना, तो ये इधर जाके स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो इधर जाके स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे यहां से रिफ्लेक्ट होगा है ना, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो ये इधर से रिफ्लेक्ट होगा और ये जो थीटा होगा वही ये थीटा होगा, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये इसको है ना, हम ये यहां से यहां गया, ठीक है। तो हम या तो एक चीज करें कि भाई इसको यहां से हम रिफ्लेक्ट करें वापस, ठीक है, इसको हम यहां से रिफ्लेक्ट करें वापस, या फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, हम मान सकते हैं कि यहां पे एक और हमने ये मिरर रख दिया, यही सेम हमने मिरर यहां पे रख दिया है ना, तो क्या होगा, इसको हम रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, इस वाले मिरर को हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो ये वन जो है, ठीक है, वो वन इधर ही रहेगा और ये जीरो वाला इधर आ जाएगा, ठीक है, जीरो पॉइंट इधर आ जाएगा रिफ्लेक्ट होके, और टू वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, टू वाला इधर ही रहेगा, ठीक है, तो जीरो वाला इधर आ गया है ना। तो ये हो गया हमारा इसका मिरर, ठीक है, इसका मिरर ये हो गया है ना। तो हम इसको इसमें जाता हुआ देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये अगर एक है, ये डिस्टेंस अगर एक है, ये डिस्टेंस अगर एक है, ये डिस्टेंस अगर एक है, तो ये यहां पे भी एक हुआ और ये यहां से आ रही है, तो ये दोनों अगर एंगल बराबर हैं, तो ये दो है तो ये भी दो होगा, सॉरी ये एक होगा, ठीक है, ये एक होगा, ये एक होगा, तो ये दो पूरा टोटल दो होगा, दो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना। ये तो पॉइंट है, ठीक है ना, ये पॉइंट का रेफरेंस है, ये अलग चीज है, ये दो डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ ब्लू से, ब्लू से डिस्टेंस हमारा हो रहा है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। तो अब देखो, या तो मैं इस रे को है ना इधर से डिफ्लेक्ट करूं, या फिर इधर जाता हूं मान लूं, बात एक ही है, बात एक क्यों है, क्योंकि हमने इस जो मिरर को है ना रिफ्लेक्ट कर दिया है इधर, तो या तो मैं इस रे को इधर जाता हूं मान लूं, अब ये कहां जाएगा, ये है थीटा और ये है वन, तो यहां पर ये हो जाएगा वन, तो ये जाएगा अपना कहां पर जाएगा, ये हो गया पूरा टू, तो ये जाएगा यहाँ पे पूरा टू, तो ये जाएगा इधर, इससे जाके बढ़ जाएगा, ठीक है,
यहाँ पे जाके मर्ज हो जाएगा। तो किस में मर्ज हुआ, ये जीरो वाले रिसेप्टर में, है ना। तो अभी हम डिस्टेंस को ब्लू से कर रहे थे तो इसको रेड से करते हैं, तो जीरो वाले रिसेप्टर पे जाके मर्ज हो जाएगा। तो अब हम ये सेम चीज इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्शन है, है ना, ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो इसमें जाओ या इसमें जाओ, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम इसको, हमने इसका रिफ्लेक्शन माना था ना, इस वाली चीज को हमने इसका रिफ्लेक्शन माना था, तो हमने इसको ट्रैवर्स इसमें करता हुआ माना था, है ना। तो इसकी बजाय हम क्या कर सकते हैं भाई, हमको अब इससे देखना है, तो मैं अगर इससे नहीं देखना, नहीं भाई मेरे को नहीं समझ में आ रहा हमने ये एक्सटेंड क्यों करा, तो हमको तो इससे ही देखना है। तो हमने क्या करा, अभी ये चीज़ तो समझ में आ रही है ना कि ये चीज़ रिफ्लेक्शन है इसका, तो ये जब रिफ्लेक्ट होगा तो ये इसके जैसा होगा, है ना, ये और ये दोनों सेम होंगे, ये बात तो समझ में आ रही है। और ये जहाँ भिड़ेगा वो कितना दूर है, एक डिस्टेंस दूर है इससे, ठीक है। तो ये भी जाके ऐसी जगह भिड़ेगा जो एक डिस्टेंस दूर है इससे, है ना भाई, ये क्योंकि मिरर है ना ये, और ये तूने अभी बताया मैंने कि भाई ये अभी बताया कि ये तो दिख ही रहा है कि ये और ये सेम है, है ना, क्योंकि मैंने इसको मिरर बना दिया है इसका। अब ये और ये जहां जाएगा वो सेम है, तो ये जाके यहां मर रहा है, तो ये जाके यहां नहीं मरेगा, है ना, जीरो पे मरेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या एक्सटेंड करके देख सकते हैं, एक्सटेंशन वर्क्स बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हम एक्सटेंड करके इसमें देखें या इसमें देखें, बात तो एक ही है, क्योंकि ये जो रे है ये इसका रिफ्लेक्शन है, तो ये सेम है दोनों रेज, और ये रे सेम है, तो ये रे जहां जा रही है वो रे यहां जाएगी, और क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है ये जीरो पे जा रही है तो ये भी जीरो पे जाएगी, तो हम इसलिए एक्सटेंड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन है एक्सटेंड करके देखने का। तो अब हम क्या करेंगे, देखो भाई अब यहां से हमने देख लिया कि भाई हमको क्यू जो था हमारा थ्री था ना, सॉरी क्यू जो हमारा था टू था, ठीक है। तो टू था, तो टू वाले कितने लगे हमारे, तीन लग गए, तीन हमारे क्यू लग गए ना, और हमारा कवर कितना हो गया पी, ठीक है, यहां पे पी कवर हो गया ना, ये तीन क्यू से हमारे कितने पी कवर हुए, दो पी कवर हुए, यहां पे दो पी है, ये एक पी ये है और दूसरा पी ये है, तो दो पी कवर हो गए हमारे तीन क्यू से। तो हमारा हुआ क्या भाई, दो पी कवर हो गए, है ना, दो पी इज इक्वल टू थ्री क्यू हुआ इस केस में, पहले वाले केस में हमारे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई वो जीरो पे मीट कर रहा है, अगर ऐसा है तो, अगर पी हमारा ऑड है और क्यू हमारा इवन है तो कहां पे मीट कर रहा है, जीरो पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब ये चेक कैसे कर सकते हैं हम भाई, देखो पी जो है ना, पी अगर हमारा थ्री है और क्यू हमारा टू, अब ये इंटरेस्टिंग चीज है देखना, ठीक है। तो हमने m मान लो p लिए और n मान लो q लिए, हमको इन दोनों को बराबर करना है, क्योंकि ये जहां मिलेगा अब ये तो हमको q दे रखा है, ये q दे रखा है, तो हम ऐसे कितने q लें, ऐसे कितने q लें, हम n q लेते हैं, और ऐसे यहां पे हम कितने लेंगे, हम कितने p लें कि सच ये दोनों बराबर हो जाए, है ना, कितने पी ले कितने क्यू ले इधर, तो सच दैट ये बराबर हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जब पी जो है तीन था और क्यू जो है टू था, है ना, तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन कब सही होगी, ये कब सही हुई, जब m हमारा कितना आया दो आया और n हमारा कितना आया तीन आया, तो मतलब तीन जो है तुम क्यू ले लो, तीन बार को क्यू ले लो और दो बार को पी ले लो, दो बार पी ले लिया ना हमने और तीन बार क्यू ले लिया, तो ये दोनों मीट कर जाएंगे, मानते हो। अब दो बार पी लेने का मतलब क्या है, दो बार पी लेने का मतलब है एक बार जो है रिफ्लेक्ट कर दो, एक बार जो तुम्हारा रूम है ना, ये जो तुम्हें रूम दे रखा है ना, उसको एक बार रिफ्लेक्ट कर दो तो पी दो हो जाएगा, तो पी दो हो जाएंगे, ठीक है।
और पी देव होने का मतलब क्या है, पी देव होने का मतलब क्या है, ये जो है ये इधर आ चुका है, तो इसका मतलब क्या है कि जीरो को मीट करेगा, है ना। और जैसे अब ये देखो, ये है ना, ये हमने ये पी और पी अगर हमको ये दे दिया ना, पी कितना दे दिया, दो, तो दो एम इज इक्वल टू क्यू कितना है वन इज इक्वल टू इतना एन, तो हम पी और क्यू से आंसर को निकालना चाहते हैं ना, क्योंकि हमको दे तो पी और क्यू रखा है, तो पी और क्यू अगर हमको है ना ऐसे ये दे रखा है, क्या बोलते हैं, पी दे रखा है इवन और क्यू दे रखा है ऑड, ठीक है, तो ये एम और एन कितने आएंगे इसके, हमको कितना चाहिए, एम चाहिए वन और एन चाहिए दो, है ना, एम चाहिए वन, एम चाहिए वन मतलब एक ही बॉक्स में काम हो जाएगा, हमको एक और बॉक्स नहीं चाहिए, एम एम कितने थे नंबर ऑफ पीस, हमको एक ही पी चाहिए ना, और एन कितना है नंबर ऑफ क्यूज, तो हमको दो क्यू चाहिए, दो क्यू चाहिए हमको, एक क्यू एक दूसरा क्यू, तो अगर ऐसा कंडीशन हो रहा है हमारा, तो ये कहाँ पे मीट कर रहा है, टू पे, तो टू पे मीट करने की कंडीशन क्या होगी, पी इवन और क्यू ऑड, क्योंकि उस कंडीशन में क्या होगा, एम और एन ऐसे आएंगे, ठीक है, और एम और एन को हमको क्या है स्मॉलेस्ट चाहिए, तो एम और एन स्मॉलेस्ट चाहिए, तो हमको अगर ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, जैसे ये जो है चार और दो होता, ठीक है, पी और क्यू, तो हमको इनको रिड्यूस करना पड़ता ना, क्योंकि चार और दो का आंसर वही तो होगा जो दो और एक का होगा, बस तुमने क्या कर दिया, दोनों को दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो P और Q जैसे जो भी दे रखे हैं हमको, है ना, अगर P हमारा इवन है, मतलब पहले पहले उसको हम रिड्यूस करेंगे P और Q को, ठीक है, P और Q को क्या करेंगे हम, अगर दोनों इवन है, P और Q दोनों इवन है, तो दोनों को हम डिवाइड करेंगे टू से, जब तक हमारा एक ऑड नहीं हो जाता, जैसे छः और चार दे दिया, ठीक है, छः और चार दे दिया, तो इसको हम दो से डिवाइड करेंगे, इसको हम दो से डिवाइड करेंगे, एक ऑड बन गया, एक ऑड बन गया, तो ये कौन सा बना, पी ऑड बन गया और क्यू इवन, ठीक है, तो ये केस इस केस में नहीं आएगा, क्योंकि इस केस में क्या होगा, पी बोल रहा है पी बोल रहा है तीन है ये, और क्यू बोल रहा है क्यू इवन है, क्यू क्यू दो है, तो इस केस में क्या होगा, एम कितना आएगा हमारा, दो, और एन कितना आएगा हमारा, तीन, तो दो हमको रिफ्लेक्शन बॉक्स चाहिए, तो दो रिफ्लेक्शन बॉक्स चाहिए अगर, है ना, ठीक है, और एन तीन है, एन तीन है, तो वो कहाँ मीट करेगा, वो तो इधर मीट करेगा, वो पहले वाली कंडीशन वाला, ठीक है, है ना, तो वो तो जीरो पे मीट करेगा, ठीक है, और अगर ये ऐसे रिड्यूस होके हमारा पी और क्यू इसमें आ जाता, सच दैट कि पी इवन हो जाता और क्यू ऑड हो जाता, इस केस में क्या हुआ, पी हमारा ऑड हो गया और क्यू हमारा इवन हो गया, ठीक है, तो इस केस में तो आंसर जीरो है, और इस केस में हमारा आंसर है टू, और एक और केस बनेगा, अगर ये जैसे मान लो पी और क्यू दो दो दे रखे, तो पहले तो हम इन दोनों को रिड्यूस करेंगे जब तक हमारा एक ऑड नहीं आ जाता, तो ये दोनों ही ऑड आ गए, ठीक है, तो वन वन आ गया, तो वन वन के केस में कितना होगा, वन एम एम और वन एन, तो वन हो गया, एम भी वन हो गया और एन भी वन हो गया, तो एक ही बॉक्स चाहिए हमको, एक ही बॉक्स चाहिए और एक ही क्यू चाहिए, तो इसका आंसर आ रहा है वन, है ना, तो जब भी हमको दोनों ऑड मिले पी और क्यू रिड्यूस करने के बाद, तो आंसर होगा हमारा वन, है ना, और जब भी हमको पी और क्यू रिड्यूस करने के बाद क्या मिले, P मिले ऑड और Q मिले इवन, तो आंसर होगा हमारा कितना, जीरो, और जब भी हमको P मिले इवन और Q मिले ऑड, तो आंसर होगा हमारा दो, ठीक है, तो जीरो दो और एक, और दोनों इवन होंगे तो हमको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट M और N चाहिए उनको मीट कराने के लिए, तो हमको दोनों को रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके कोड पे आ जाते हैं, तो हमको क्या बोल रखा है कि अगर दोनों इवन है
तो हम डिवाइड करते जाएंगे टू से जब तक एक ना एक ऑड नहीं हो जाता, ठीक है। और फिर क्या हुआ, अगर पी इवन है और क्यू ऑड है, पी इवन और क्यू ऑड, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दो, है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा दो। और पी ऑड है और क्यू ऑड है, दोनों ऑड है, ठीक है, इस केस में हुआ था दोनों ऑड, दोनों ऑड का मतलब है वन आंसर, तो आंसर हो गया वन। और अगर एक ऑड है दूसरा इवन है, क्यू इवन है और पी ऑड है, क्यू इवन और पी ऑड, तो आंसर हो गया ज़ीरो, तो आंसर हो गया ज़ीरो, तो हम रिटर्न कर देंगे ज़ीरो, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी भाई, दोनों को डिवाइड कर रहे हैं हम, तो ये लॉग पी हो जाएगी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, लॉग ऑफ मैक्स ऑफ पी कॉमा क्यू, और पी और क्यू में से कौन बड़ा दे रखा है, पी हमेशा बड़ा है क्यू से, तो लॉग ऑफ पी हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।